सेंट्रल जेल में महादेव सट्टा ऐप शराब घोटाले कोल स्कैम के आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की शिकायत की गई, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। शिकायतकर्ता राकेश सिंह बैस ने यह शिकायत की। इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश सरकार सहित जजों को इसकी शिकायत की है। उसने आरोप लगाया कि जेल के अधिकारी जेल में बंद बड़े लोगों अधिकारियों को अलग से सुविधाएं दे रहे हैं। जेल प्रबंधन ने नोटिस जारी कर बयान के लिए राकेश सिंह को तलब किया। राकेश सिंह का कहना है कि जिन पर आरोप है वही जांच कर रहे हैं, ऐसे में सही जांच कैसे होगी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता राकेश सिंह बैस कुछ महीने पहले जेल में बंद थे। जेल से आने के बाद उन्होंने ये शिकायत की है। जेल की शिकायतें मैंने 11 से 12 जगह की है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से लेकर के राज्य शासन तक में। और इसमें सुविधाएं ईडी में जितने बंद हैं लोग, महादेव ऐप और कोल घोटाला, शराब घोटाला में, इनको विशेष वहाँ सुविधाएं दी जा रही थी और दी जा रही होंगी। अभी तो मैं नहीं हूँ वहाँ, लेकिन जो मैंने देखा, इनको इतनी सुविधाएं जिसकी कोई सीमा नहीं है कि सेल के अंदर 10 नंबर जो सेल होती है, जो 8x10 का एक रूम होता है, उसमें इनके लिए माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, बकायदा घर से खाना आ रहा है, बावर्ची से खाना बनकर स्पेशल जा रहा है हॉस्पिटल बावर्ची से। ये बाहर जा रहे हैं, माने अस्पताल अगर ये अंदर के हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने सेल से निकल करके, वहां पर इनके लिए विशेष सुविधा, कूलर के सामने बेड तैयार है, ये आराम कर रहे हैं, वहां कॉफी पी रहे हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां डोंगरगढ़ में चावल कारोबारी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। ये छापा राइस मिल के डोंगरगढ़ राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष और मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के यहां पड़े हैं। ये कार्रवाई सुबह से चल रही है। बताया जा रहा है कि अग्रवाल के घर 2 अलग अलग गाड़ियों में टीम पहुंची, घर में दस्तावेज खंगाले। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने ये कार्रवाई कस्टम मिलिंग घोटाले में की है। आपको ये भी बता दें कि ईडी का आरोप है कि मार्कफेड के अधिकारी और राज्य चावल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मिलकर कस्टम मिलिंग घोटाले को अंजाम दिया। इसके लिए अधिकारी और मिलर्स ने विशेष प्रोत्साहन राशि का दुरुपयोग किया और करोड़ों की रिश्वत कमाने की साजिश भी रची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में द्वारका के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा किया। उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्रों से बातचीत कर उन्हें सफलता के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी साथ रहे। छात्रों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपीएससी, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यूथ हॉस्टल में 50 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर अब 200 सीटों को तैयारी कराने का प्रावधान बजट में किया गया है। उनके लिए हॉस्टल और पीजी की व्यवस्था की जाएगी। ये कदम छात्रों की शिक्षा और करियर की बेहतर बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। सीएम मोहन यादव ने आज मीडिया से बात की और इसी दौरान उन्होंने एमपी कोटे से मंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा कि जनता ने बीजेपी पर प्रेम बरसाया, पूर्ण बहुमत की सरकार है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जब से कदम बढ़ाए तब से कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, वो किसी को भी नेता प्रतिपक्ष बनाए। देखिए, मैं अपने राज्य की बात करूं तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता का धन्यवाद अदा करूंगा, जिसने 29 की 29 हमारी सीटें जीतने का जनता ने हमको आशीर्वाद भी दिया और यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारे प्रदेश से एक साथ प्रेम लुटाया भाजपा के प्रति और वो उसका परिणाम निकला। और जैसा आपने कहा है, गठबंधन की सरकार, ये लोकतंत्र की हमारी विशेषता है। ये माननीय मोदी जी के लिए और गौरवान्वित करने वाला क्षण, जो मोदी जी ने स्वयं ने अपने प्रारंभिक भाषण में भाजपा की दृष्टि से भी बात कही है। मेरा तो ये कहना है कि मैं उनके लिए क्या बोलूँ, अभी हाल इसमें बोला उसका उत्तर मिल गया। जब से राहुल गांधी जी ने कदम बढ़ाए हैं तब से कांग्रेस हमेशा अपनी पता नहीं क्यों हसरतें पूरी नहीं कर पा रही, और फिर भी नेता बनाओ तो बनाओ। इधर से पूछो, इधर से एक क्या क्या है, आपने नियम बनाया था, इधर प्रभु भी खड़े हुए हैं, एक आप एक कर लो इधर से, आप प्रभु जी, अरे अच्छा हाँ, अब हमारा जल संवर्धन पे तो आ जाओ, ये कहाँ जा रही है, सुननी पड़ रहा है। नहीं, 5.5 हमने लगाना है, उनके कितने थे पहले, किसने लगाया, वो उधर ज्यादा था।
नहीं, देखो ये एक, 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 मैं आपकी बात बादवाली का जवाब दे देता हूँ कि ऐसे कोई हमारा कभी प्रयास नहीं रहेगा कि हम इतने बड़े पैमाने पे किसी पेड़ वेड़ को उखाड़े काटे, ये गलत बात है। ये तो मतलब अब इसमें मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ कि सरकार कभी भी इस टाइप की घटनाक्रम से, मैंने देखो प्रोजेक्ट तो रोज बनते हैं और प्रोजेक्ट अभी हमारी टेबल पे आएगा, हम देखेंगे फाइनल करेंगे। मीडिया का मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे सनसनीखेज समाचार छापने से थोड़ा ऐसा लगता है कि विचार करना चाहिए, कम से कम न छापे तो ज़्यादा अच्छा। आइए अब देखेंगे टॉप।